दो रंगों में बना ये सुंदर अनारकली गाउन बना है सिर्फ 2.5 मीटर कपड़े में। तो जैसे आप देख पा रहे हो, इसमें हमने कलियां इंसर्ट की है और दो कलर कॉम्बिनेशन की वजह से इसका लुक भी बहुत सुंदर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का आसान तरीका। तो यहाँ पर हमारा जो मेन फैब्रिक है वो हमें 1.5 मीटर ही लगने वाला है, लेकिन पन्ने में डिफरेंस रहेगा। जैसे कि अगर आपका कमर का साइज 28 इंच तक है तो आपका 1.5 मीटर कपड़ा लगेगा, और कपड़े की जो चौड़ाई है वो नॉर्मल जितनी रहती है 42 इंच 44 इंच उसमें हो जाता है। लेकिन अगर आपका कमर का साइज 28 इंच से ज्यादा है, मतलब 30 इंच से लेकर 34 इंच तक है, तो आपको 1.5 मीटर ही कपड़ा लगेगा, लेकिन कपड़े का जो पन्ना है वो आपको कम से कम 50 इंच लेना होगा। और अगर आपका कमर का साइज 34 इंच से ऊपर है, चाहे जितना हो, उसके लिए आपको 1.5 मीटर ही कपड़ा लगेगा, लेकिन कपड़े का पन्ना 60 इंच रखना होगा। मैंने जो ये कपड़ा लिया है इसकी चौड़ाई 48 इंचेस है, क्योंकि वेस्ट साइज हमारा यहाँ पर 32 इंचेस है। उसके बाद कलर कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से 1 मीटर मैंने अलग सा ब्रोकेड का कपड़ा लिया है, इसकी जो चौड़ाई है वो 42 इंचेस है और ये सभी साइजेस में आ जाएगा। अगर लाइनिंग लगाना चाहते हो तो 2.5 मीटर कॉटन या क्रेप का आप ले लीजिएगा, जिसकी चौड़ाई नॉर्मल कपड़े की तरह ही होगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये चोली पैटर्न में बन रहा है, तो सबसे पहले कागज के ऊपर चोली पैटर्न कटिंग करेंगे। जैसे कि 1.25 इंच पर आर्म होल डाला है और 16 इंच पर चोली की लंबाई, जो तैयार होके 15 इंच रहेगी। शोल्डर 7.5 इंच, गले की चौड़ाई 3 इंच, सारे जो नाप है नॉर्मल कुर्ती की तरह डालेंगे। 0.75 इंच पर शोल्डर स्लोप, पीछे का गला मैंने रखा है 3 इंच, तो ये सारे नाप हमारे नॉर्मल कुर्ती की तरह ही होंगे। आगे का गला में 0.5 इंच नीचे से नापूंगी, क्योंकि वहां से हमारे आगे के गले की शोल्डर लाइन होगी, जो मैंने 6 इंच रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग अधिक 0.25 इंच का लूजिंग, यहाँ पर वेस्ट का चौथा भाग अधिक 0.5 इंच लूजिंग और 1 इंच डार्ट का, उस हिसाब से सारे मार्क्स मैंने किए हैं। बाहर की साइड में 1 इंच मार्जिन रखा है। अब बैक आर्म होल का शेप और फ्रंट आर्म होल का शेप देने के लिए 0.5 इंच मैंने नीचे से मार्क किया है, क्योंकि वहां पर हमारी फ्रंट शोल्डर लाइन होगी। और यहाँ पर सेंटर निकाल के 0.5 इंच अंदर की तरफ लिया और फ्रंट आर्म होल का शेप दिया। तो ये सारा मैं फास्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारे जो नाप है ये हमारे नॉर्मल कुर्ती की तरह डलेंगे, और उसके ऊपर सेपरेट अलग से वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर डार्ट का मैंने मार्किंग किया है, ये फ्रंट डार्ट होगा जिसकी चौड़ाई 1 इंच रखी है। साइड में 0.25 इंच तिरछा लेके लाइन बना दी। अब हम पीछे के आर्महोल से मैंने कटिंग किया है, पीछे की शोल्डर लाइन और पीछे का गला, इसे खोल देंगे, बीच में से कट करेंगे ताकि फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग हो। तो ये बैक रहेगा और ये फ्रंट। ये फ्रंट इसलिए बनाया है ताकि यहाँ पर मार्किंग है फ्रंट के, तो उस हिसाब से आर्महोल, शोल्डर लाइन और गला कटिंग करेंगे। साइड में डार्ट का मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर जितनी भी कमर है आपके 32 इंच है, उसका 8वां भाग हुआ 4 इंच, 4 इंच पे मार्क किया, और लंबाई 5.5-6 इंच आप रख सकते हो, जैसे मैंने 6 इंच रखी है, और डार्ट की चौड़ाई 1 इंच, यानी दोनों साइड में 0.5-0.5 इंच। जरूरी नहीं है कि कागज के ऊपर आप पहले कटिंग करो, लेकिन इससे कपड़े की काफी बचत होती है। अब स्लीव्स का मार्किंग करेंगे, जैसे मैंने 13 इंच इसकी लंबाई रखी है, 4.5-5 इंच पर कैप हाइट का मार्किंग किया है, 0.25 इंच आर्महोल राउंड है तो उतना रख के इस तरह से तिरछे में मार्क करना है, और यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों का शेप देना है। तो स्लीव्स के ऊपर भी सेपरेटली वीडियो बनाए हैं, हर साइज के हिसाब से आप स्लीव्स कटिंग कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर भी 1 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं इसको कटिंग करूंगी। तो हमारा पेपर कटिंग हो गया है, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। जो 1 मीटर का मैंने ब्रोकेड का कपड़ा लिया है उसके ऊपर कलिया कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर तिकोन कलिया कटिंग होगी। ये कपड़े की लंबाई है जो 42 इंचेस रखी है, और ये कपड़े की चौड़ाई है जो नॉर्मल कपड़े की पन्ने की तरह ही है, 42 इंच या 44 इंचेस। इसे मैंने 4 फोल्ड में किया है। अब आप बोलोगे ये 1 मीटर कपड़ा है, तो ये 1 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा रखा है क्योंकि मेरी लंबाई ज्यादा है घेरे की। अब यहाँ पर ये जितना भी है उसका सेंटर करके एक मार्क करना है और इसे इस तरह से तिकोन में जोड़ना है। ये तिकोन वाली कलिया है और सभी साइजेस के लिए आपको सेम मेजरमेंट रखना है, मतलब जितनी भी कपड़े की चौड़ाई है वो 4 फोल्ड कर दीजिएगा और उसका सेंटर निकाल के इस तरह से तिकोन कलिया बना दीजिएगा और इसे कट कर दीजिएगा।
कट करने के बाद अब देखते हैं ये कितनी कलियां निकल के आई है। तो इस तरह से ये त्रिकोण कलियां निकल के आई है। जैसे कि पहले हम देखेंगे ये साइड वाली कलियां, साइड में जो कलियां निकल के आई है ये दो कलियां रहेगी, ठीक है, और सेंटर में जो कलियां निकल के आई है ये चार रहेगी। तो ये चार कलियां है, और इस साइड में जो कलियां निकल के आई है तो वो भी दो ही है। तो ये अखंड है जैसे दूसरे साइड की है, लेकिन जो नीचे की दो कली, एक कली है वो आधी आधी कटी है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुल मिला के यहाँ पर आठ कलियां निकल के आई है, जिसमें से सात कलियां अखंड है, मतलब उसमें कोई जोड़ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आठवीं कली है मतलब ये वाली कली, तो ये आधी आधी निकली है, तो इसे हम सेंटर से जोड़ देंगे और फिर इसको लगाएंगे, तो हमारी आठ कलियां यहाँ पर हो जाएगी, ठीक। तो ये आठों कलियां हम साइड में रखेंगे, चाहे आपका साइज कितना भी क्यों ना हो, आपको आठ कलियां निकालनी है, ठीक। अब इसको हमने साइड में रख दिया। अब लेते हैं हमारा मेन फैब्रिक। तो ये लंबाई है पूरी जो 1.5 मीटर है, और ये चौड़ाई है जो 48 इंचेस है। कपड़े को हमें 4 फोल्ड में करना है, तो विड्थ वाइज यानी पन्ने की तरफ से मैंने फोल्ड किया है, ये 4 फोल्ड हो गया। अब सबसे पहले चोली का कटिंग करेंगे, जो हमने कागज के ऊपर ऑलरेडी कटिंग किया है। तो फोल्ड वाली साइड की तरफ हम रखेंगे, तो ये बैक पैटर्न है और गले वाला हिस्सा फोल्ड वाली तरफ रखा है और इसे कटिंग किया। तो यहां पर बैक और फ्रंट दोनों के लिए पैटर्न कटिंग हो चुका है। तो बैक का जो डॉट का मार्किंग है वो मैंने इस तरफ कर दिया है और गले का भी कर दिया। अब अंदर की तरफ जो पैटर्न रहेगा वो फ्रंट के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पर F लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा और ये वाला हमारा बैक रहेगा। तो बैक का गला कटिंग कर देते हैं। अब इस बैक पैटर्न को मैं साइड में रख देती हूँ, यहाँ पर बी लिख देती हूँ। अब ये जो फ्रंट है, तो फ्रंट की शोल्डर लाइन नीचे से है, आधा इंच नीचे से, और आर्महोल का कटिंग भी अंदर की तरफ से है, तो वो हमें कटिंग करके लेना होगा। तो इसे मैं कट कर देती हूँ, ये मैंने कटिंग कर दिया। अब गले का कटिंग मैं बाद में करूंगी। डॉट का मार्किंग मैंने करके लिया है फ्रंट का, और बैक और फ्रंट दोनों कटिंग हो चुके हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट कपड़े के ऊपर भी चोली का नाप डाल के कटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई 4.5 इंच में तैयार रख रही हूँ, तो 1 इंच मार्जिन का लिया है और 5.5 इंच पर मार्किंग किया। यहाँ पर मैं हाफ स्लीव्स बना रही हूँ, जो कि 1.5 मीटर कपड़े में हो जाती है। अगर आपको लॉन्ग स्लीव्स या 3/4 स्लीव्स बनाने हैं तो आप कम से कम 1.5 या 2 मीटर कपड़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर ये हाफ स्लीव्स हमारे कटिंग हो चुके हैं। स्लीव्स का जो फ्रंट का शेप है वो अंदर की तरफ से है, वो भी हम कटिंग कर देंगे। तो इसे मैंने कट कर दिया है और स्लीव्स हमारे यहाँ पर रेडी है। इसे थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखेंगे। अब जो भी नीचे की तरफ कपड़ा है उसका फोल्ड जैसा है वैसा ही मैंने रखा है। अब नीचे के घेरे की लंबाई किस हिसाब से रखनी है, जितनी भी आपकी गाउन की तैयार लंबाई है, जैसे मेरी 55 इंच है, उसमें से 15 इंच चोली का मैंने कम कर दिया है, तो हो गया 40 इंच। उसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करना है और 42 इंच पर मैंने यहाँ पर कपड़ा रखा है। फ्रंट या बैक कोई भी एक पैटर्न लीजिएगा और यहाँ पर ये पूरा नापिएगा, सिलाई मार्जिन के साथ नापना है, तो मेरा 10.5 इंच आ रहा है। उसमें 1.5 इंच ऐड कर दीजिएगा, ये 1.5 इंच कलियां जोड़ने के लिए मार्जिन रहेगा, तो कुल मिला के मेरा हुआ 12 इंच। अब यहाँ पर ये 12 इंच बराबर से आ रहा है क्योंकि इस कपड़े का पन्ना 48 इंचेस है और ये 4 फोल्ड में है, तो ये बराबर से 12 इंच आ रहा है। मेरा कमर साइज अगर बड़ा होता तो यहाँ पर ये मेरा नहीं बैठता, तो इसलिए मैंने बताया था कमर के साइज से आपको कपड़े का पन्ना रखना है। अब यहाँ पर ये जितना भी है उसका सेंटर करके यहाँ पर एक मार्क करना है और यहाँ से सीधी लाइन नीचे तक बनानी है, मतलब मेरा 12 इंच आया था तो उसका सेंटर निकल के आया 6 इंच पर। अब ये सीधी लाइन मैंने यहाँ पर बनाई, ये जो कलिया कटिंग होगी ये बिल्कुल सीधी कलिया कटिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी लाइन मैंने बनाई है, इस साइड में फोल्ड है और इस साइड में एक फोल्ड है और ये दो खुले लेयर्स हैं। तो हमें सारे कलियों को अलग अलग करने के लिए जितनी भी यहाँ पर कपड़े के फोल्ड है वो कट करने होंगे। तो मैंने इस साइड में कट किया और इस साइड में ये सिंगल फोल्ड है तो इसे भी मैंने कट किया। अब यहाँ पर सारी कलियां अलग हो गई हैं, ये 4 है तो हमें 8 कलियां चाहिए।
तो जो सेंटर में मार्क लगाया है उसके ऊपर से कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारी 8 कलियां निकल के आएगी। तो इसमें से 4 पीछे की तरफ यानी बैक में लगेगी और 4 फ्रंट की तरफ यानी आगे की तरफ लगेगी। तो कोई भी 4 आप आगे की तरफ रख सकते हो, कोई भी 4 पीछे की तरफ, क्योंकि सारी तो सेम है। तो इसमें से ये 4 मैं साइड में रखूंगी। तो पहले मैं बैक का घेर तैयार करके आपको बताऊंगी। तो ये 4 कलियां हैं जिसे मैं यहाँ पर अलग अलग करके रख देती हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। अब इन 4 कलियों के बीच में जाएगी ये तिकोन कलिया, ठीक, जो हमने पहले से कटिंग करके रखी थी और जैसे मैंने बताया ये भी 8 है। तो देखिए इन दो दो के बीच में ये एक एक कली जुड़ेगी। अब सबसे पहले एक कली आपको जोड़ के दिखाती हूँ और सेम तरीके से सारी कलियां जोड़नी है। तो इस कली को इस तरह से रखना है, तो ये उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और यहाँ नीचे से ऊपर जाइएगा जोड़ते हुए, ठीक है। तो ये कली यहाँ पर सिलाई लगा के लेनी है, तो मैंने सिलाई लगा दी है नीचे की, नीचे से ऊपर की तरफ, और ये इसे मैंने पलट दिया तो इसका लुक इस तरह से रहेगा। अब इसकी दूसरी और ये वाली कली जोड़ेंगे, तो इसे मैंने इस तरह से रख दिया, इसकी सीधी साइड चली गई है नीचे की तरफ और उल्टी साइड ऊपर की तरफ आ गई। अब इसे भी हम इस तरह से यहां पर जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाली कली आप ऊपर से सिलाई शुरू करोगे तो भी चलेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहां पर सिलाई लगेगी। तो ये मैं मशीन के ऊपर दिखाती हूँ। तो ये देखिए आ गए हैं मशीन के ऊपर। अब ये जो नीचे की है इसका जो सिलाई मार्जिन है वो इस तरफ रखिएगा ताकि आपको आसानी हो जोड़ने में, और यहां पर ये दूसरी कली ऊपर की तरफ रखेंगे और ऊपर से नीचे जाएंगे। पहली वाली कली जोड़ते टाइम हम नीचे से ऊपर गए थे, अब ये दूसरी वाली कली जोड़ते टाइम ऊपर से नीचे जाओगे तो भी चलेगा। तो बस मैंने सिलाई लगा दी। अब यहां पर ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि बाद में हम इसे सीधा कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये कलियां जुड़ चुकी है और दोनों के बीच में ये तिकोन कली हमारी लग चुकी है, ठीक। बस एक एक करके हम यहाँ पर ये चारों कलियों के बीच में ये तिकोन कलियां डाल देंगे। तो इसे भी मैं नीचे से शुरू करूंगी। तो यहां से बस मैंने इसको सिलाई मार्जिन पकड़ते हुए ऊपर तक सिलाई लगाई है। तो देखिए ये कली जुड़ चुकी है। अब हम दूसरी कली लेंगे ये वाली और इसी ऊपर से नीचे जाएंगे। तो बस आपको समझ में आ गया होगा। तो एक एक करके यहां पर चारों कलियों के बीच में ये तिकोन कलियां हम डाल के लेंगे। तो ये देखिए ये बैक साइड का घेरा है, 4 सीधी और 4 तिकोन कलियां मैंने डाल दी है। इस साइड में भी मुझे तिकोन कली डालनी है लेकिन मैंने सोचा एक बार आपको दिखा दूं। तो ये जो आधी आधी कली निकली थी इसे मैं बीच में सिलाई लगा दूंगी। तो यहां पर मैंने सिलाई लगा दी है और देखिए ये पूरी अखंड कली बन गई। तो बस एक ही ऐसी कली निकली थी जो आधी आधी निकलेगी, तो इसे बीच में से सिलाई लगा के फिर हम इसे जोड़ देंगे। तो इस साइड में मैं इसे जोड़ दूंगी, नीचे से ऊपर जाके सिलाई लगाऊंगी। तो यहां पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब आप देख सकते हो ये बैक साइड का घेरा है जिसमें ये 5 तिकोन कलियां और 4 सीधी कलियां लगी है। अब फ्रंट साइड का जो घेरा है इसमें 4 सीधी कलियां और 3 तिकोन कलियां लगी है, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो। तो सीधी कलियां आगे और पीछे सेम लगी है, बस तिकोन कलियां फ्रंट साइड के घेरे में मैंने 3 ही लगाई है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब ये पूरा गाउन बनेगा तो आगे और पीछे दोनों तरफ सेम कलियां दिखेगी, ये मैं आपको आगे बता दूंगी। लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे। तो ये लाइनिंग की लंबाई है जो 2.5 मीटर है और ये चौड़ाई है जो 42 इंचेस है। तो इसे चौड़ाई में फोल्ड करेंगे यानी पन्ने वाली साइड से। और सबसे पहले हम चोली का पैटर्न लेंगे। यहां पर मैंने बैक पैटर्न लिया है जो फोल्ड की तरफ मैंने रखा है। अब मैंने फ्रंट लिया है जो मैंने खुली साइड की तरफ रखा है। इस तरह से रखने से मेरा कम कपड़े में ये कटिंग हो जाएगा और इसे मैं कट कर दूंगी। तो फ्रंट खुली साइड की तरफ कटा है लेकिन कोई बात नहीं, यहां पर मैं जोड़ दे दूंगी इसे। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखती हूँ। अब जो भी कपड़ा बचा है नीचे की तरफ इसे मैं यहां पर खोल दूंगी, क्योंकि विड्थ वाइज फोल्ड किया था इसे खोल दिया और फिर लंबाई में मैंने इसे फोल्ड किया और फिर विड्थ वाइज फोल्ड किया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम घेर का कटिंग करेंगे जो नीचे का रहेगा। तो इस तरह से ये कपड़ा बिछाया हुआ है। अब बैक पैटर्न लेंगे, कोई भी लीजिएगा बैक या फ्रंट,
और उसका जो डार्ट है उसे मैंने दबा के लिया, क्योंकि डार्ट दबने के बाद ही यहाँ पर ये लगेगा। अब डार्ट दबने के बाद जितना भी आता है वो मार्किंग कर दीजिएगा कमर का। अब इसकी जो लंबाई है वो हमारा मेन फैब्रिक का जो घेरा है उससे 2 इंच कम रखेंगे। तो मेन फैब्रिक का घेरा 42 इंचेस रखा था, इसे मैंने 40 इंचेस रखा है। अब तिरछे में भी हम 40 इंचेस नापेंगे और मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन बना देंगे। ये हम ए लाइन पैटर्न में घेरे का कटिंग करेंगे। तो ये लाइनिंग है तो इसलिए ए लाइन में कटा है। आप इसे को कलियों में भी काट सकते हो। तो ये मैंने कटिंग कर दिया है। अब इसे मैं खोल देती हूं तो यहां पर ये 2 घेरे निकल के आएंगे, एक फ्रंट का रहेगा और एक बैक के लिए रहेगा। तो एक को मैं साइड में रखती हूं और इसके ऊपर मैंने ये बैक का घेरा लिया है जिसमें हमने 4 सीधी और 5 त्रिकोण कलियां डाली थी। तो यहां पर मैंने पिंच लगा दी। तो ये देखिए यहां से सीधी सिलाई लगेगी। अब दूसरा लाइनिंग का घेरा लिया है जो फ्रंट के लिए रहेगा और उसके ऊपर फ्रंट का घेरा रख दिया। तो लगता है कि मेन फैब्रिक का यानी कलियों वाला जो घेर है वो ज्यादा हो रहा है, तो यहां पर आप जहां पर कलियां जोड़ते हैं उस सिलाई में उसे एक्स्ट्रा दबा दीजिएगा, लेकिन प्लीट मत डालिएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहां पर मैंने सिलाई लगा दी है। फ्रंट और बैक दोनों घेरे हमारे यहाँ पर लाइनिंग के घेरे को जुड़ चुके हैं। लाइनिंग के घेरे में आप एक आध प्लीट डाल सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेन फैब्रिक में नहीं डालना। तो देखिए दोनों का कमर का साइज सेम है, आगे का और पीछे का। अब हमने यहाँ पर फ्रंट का चोली पैटर्न लिया है और इसके ऊपर हम गले का कटिंग करेंगे जो हमने नहीं किया था। तो गले की चौड़ाई 3.25 इंच रखेंगे, जो कि बैक की तरफ हमने 3 इंच रखी थी, यहाँ पर 3.25 इंच रखिए। और गले की लंबाई 4 इंच पर एक निशान डाला है और 6 इंच पर एक। यहाँ पर आप अपने हिसाब से गले का शेप दे सकते हो। मैं बस यहाँ पर एक छोटी सी स्लिट रखूंगी आगे की तरफ, ये देखिए इस तरीके से। आप अपने हिसाब से गले का शेप दे सकते हो। और यहाँ पर मैंने एक सेंटर नॉच लगाया है और इसे खोलकर ये निशान इस साइड में बना दिया है। अब इसमें मैं लाइनिंग लगा रही हूँ इसलिए मैं फ्यूजिंग पेपर नहीं ऐड करूंगी। अब मैंने लाइनिंग लिया है जिसके ऊपर मैंने डार्ट का मार्किंग करके लिया था और फ्रंट के लाइनिंग में मेरा बीच में जोड़ आया था, तो इसे मैंने पिंच लगा दिए हैं। अब जैसा शेप है उसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो सिलाई मैंने लगा दी है, ये देखिए। अब इसे मैं सिलाई के बाहर मार्जिन रखते हुए कटिंग करूंगी। और यहां से ये स्लिट है तो बस सीधा एक सिंपल कट लगाना है, बस उस कट से सिलाई न कट हो, और छोटे छोटे कट्स दे दूंगी। कट्स देने के बाद इसे हम इस तरह से खोलेंगे और पलट देंगे। तो पलटने से गले का फिनिशिंग हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से लाइनिंग नहीं लगाना या फिर इस तरह से गला को पलटना नहीं है तो आप फ्यूजिंग पेपर लगा सकते हो। अब देखिए यहां पर ये मैं डार्ट लगा दूंगी। फ्रंट का चोली पैटर्न रेडी है। अब लेंगे बैक का पैटर्न। तो इसे भी मैंने इस तरह से रख दिया है लाइनिंग के ऊपर और गले के ऊपर सिलाई लगा दी है जैसे आप देख पा रहे हो। और ये कपड़ा एक्स्ट्रा का निकाल देंगे, यहां पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब मैं इसे इस तरह से रख दूंगी, ठीक है। और यहां पर लेंगे फ्रंट पैटर्न और फ्रंट के जो शोल्डर्स है वो इसे इस तरह से डाल देंगे, यानी बैक के मेन फैब्रिक और लाइनिंग के बीच में फ्रंट को मैंने रख दिया है। इस तरह से शोल्डर्स रख दिए हैं और फिर आप ये बैक का जो मेन फैब्रिक है इसे फिर से फैला के लेंगे जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। इससे शोल्डर का फिनिशिंग अच्छा आएगा। बराबर से मिला के रखिएगा और ऊपर से शोल्डर को जोड़ दीजिएगा। सेम इस साइड में भी बराबर से रखेंगे और शोल्डर की सिलाई लगा देंगे। तो दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इसे इस तरह से पलट के लूंगी, ये देखिए इस तरह से पकड़ के पलट दिया। इससे शोल्डर का बहुत अच्छे से फिनिशिंग आता है, यानी अंडरग्राउंड सिलाई हो जाती है, ये देखिए। अब मैं बैक की तरफ सिलाई लगाने वाली हूं। तो क्योंकि बैक का जो लाइनिंग है और मेन फैब्रिक है वो दोनों अलग अलग है, तो साइड से मैं इसको अटैच कर दूंगी और फिर उसके बाद डार्ट ले लूंगी। तो मैंने सिलाई लगा दी है गले के ऊपर भी और साइड से भी, और उसके बाद मैंने डार्ट की भी सिलाई लगा दी जैसे फ्रंट की लगाई थी। तो ये चोली पैटर्न रेडी है। अब मैं इसको स्लीव्स अटैच कर दूंगी। स्लीव्स मैंने अटैच कर दिए हैं और स्लीव्स के बॉटम भी मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई थी।
अब मैंने यहाँ पर बैक का घेरा लिया है जिसमें हमने एक्स्ट्रा त्रिकोण कलियां ऐड की थी, वो हम यहाँ पर जोड़ देंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं पिंस लगा के लूंगी, आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, यहां से मैं सिलाई लगा दूंगी तो ये घेर यहाँ पर जुड़ जाएगा। बैक की तरफ एक्स्ट्रा कलियों वाला लगाया है, ऐसा कुछ है नहीं, आप एक्स्ट्रा कलियों वाला फ्रंट की तरफ भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर फ्रंट का घेर लिया है और इसे भी मैंने इस तरफ रख दिया, और यहाँ पर भी मैंने पिंच लगा के इसे मैं सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पर बैक की वेस्ट और फ्रंट के घेरे की वेस्ट दोनों बिल्कुल सेम रहेगी, बस कलिया नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रहेगी। दोनों घेर जोड़ने के बाद अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग का मार्किंग मैंने कर दिया है, 1-1 इंच मार्जिन छोड़ा था उसी हिसाब से मार्किंग किया है। अब हम इसे यहां से सिलाई लगाएंगे कमर तक, और कमर के नीचे 3 इंच तक जाएंगे, उसके नीचे मशीन के ऊपर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर, अब देखिए यहां से हम इसको सिलना शुरू करेंगे स्लीव्स की तरफ से। तो 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए मैंने मार्किंग किया है। अब ये जो है ये पूरा हम नीचे का ऊपर का पूरा एक साथ लेके सिलाई करनी है, कमर के नीचे 3 इंच तक जाना है। तो यहां पर पूरा एक साथ जुड़ेगा, लाइनिंग मेन फैब्रिक सारे लेयर्स एक साथ लेने हैं, और यहां तक हम सिलाई लगाएंगे, आगे पीछे करके धागे को लॉक करेंगे। अब इसके नीचे लाइनिंग अलग और मेन फैब्रिक अलग जुड़ेगा, तो उसके लिए करना क्या है, लाइनिंग को मैंने हटा दिया है और जो बीच का मेन फैब्रिक है कलियों वाला घेर है आगे का और पीछे का दोनों को पकड़ लिया है, और नीचे का लाइनिंग भी हटा दिया है, बस मेन फैब्रिक पकड़ा है। अब यहां से तिरछे में इस तरह से जाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहां से मैंने तिरछे में जाते हुए 1/2 इंच मार्जिन पकड़ते हुए नीचे तक मैं लेके जाऊंगी इसे। यहां पर आप डबल सिलाई लगा के लीजिएगा, सिलाई मैंने यहां पर लगा दी है, तो यहां पर ये थोड़ा ऊपर नीचे है, बाद में कट करेंगे। तो ये सिलाई हो चुकी, अब लाइनिंग को जोड़ेंगे। तो लाइनिंग को जोड़ने के लिए यहां से मेन फैब्रिक को हम तिरछा कट देंगे। अब ये जो कट है ये पूरा पूरा नहीं देंगे, बस थोड़ा सा इस तरह से देंगे। अब ये जो कट दिया है उसके बाद नीचे का लाइनिंग मैंने निकाल दिया है और ऊपर का लाइनिंग लिया है, और ये मेन फैब्रिक को हम अंदर की तरफ डाल देंगे। तो जहां से कट दिया है वहां से इसको मैंने हटा दिया, और यहां से इस तरह से तिरछी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मेन फैब्रिक को हटा दिया है, बस लाइनिंग को पकड़ा है और इस तरह से तिरछी सिलाई लगाई, और यहां से मैं इसको 1/2 इंच मार्जिन पकड़ते हुए नीचे की तरफ लेके जाऊंगी। ये बहुत सिंपल है, इससे हमारा लाइनिंग का जो घेरा होता है वो कम होता है, इसलिए हम इसको अलग जोड़ते हैं और मेन फैब्रिक को अलग। तो ये सिलाई मैंने लगा दी है, ठीक है। तो मेन फैब्रिक भी जुड़ चुका और लाइनिंग भी जुड़ चुका। अब मैं एक बार अंदर से आपको दिखाती हूँ। तो अंदर की तरफ जो मेन फैब्रिक है तो उसकी सिलाई देखिए, आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये जुड़ा है यहां से, ठीक। जिस तरह से मैंने इस साइड की फिटिंग की है सेम तरीके से इस वाले साइड की भी मैं फिटिंग करके लूंगी। फिटिंग हमारी हो चुकी है, अब देखने वाली बात यह है कि जो एक्स्ट्रा की कलियां हमने पीछे की तरफ लगाई थी वो फ्रंट की तरफ भी आ गई है। ये देखिए आधी आधी कलियां फ्रंट की तरफ भी आ गई है, जो साइड से हमने एक्स्ट्रा लगाई थी पीछे की तरफ, और पूरा घेरा बिल्कुल सेम लगेगा आगे का भी और पीछे का भी। अब बस नीचे की तरफ जो अनइवन है यानी ऊपर नीचे है उसे हम गोलाई में कट करेंगे। तो उसके लिए इस तरह से बिल्कुल बराबर से फोल्ड करके रखिए, कहीं पर भी कोई सिलवट ना हो, एकदम सीधा रहे, कहीं पर भी कोई झोल ना हो, बिल्कुल सीधा करके ले ताकि नीचे से कटिंग करने में आसानी हो। अब इसे गोलाई में कट कर लीजिएगा जो भी ऊपर नीचे है। तो ये मैंने कटिंग कर दिया है और घेर बिल्कुल गोलाई में आ गया। अब इसे मैं खोल दूंगी, खोलने के बाद यहां पर ये घेर मैं आपको दिखाती हूँ कितना आया है। बिल्कुल 2.5 मीटर में यह बना है और इसका घेर भी लगभग ये 55 इंचेस है। यहाँ पर ये 55 इंचेस है, मतलब पूरा घर घेर जो है वो 110 इंच आया है। अब इसे हम डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे पूरी गोलाई में, और लाइनिंग के घेर को भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, और ये गाउन हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने डबल सिलाई करके गाउन को रेडी कर दिया है, बहुत ही इसका सुंदर लुक आया है, घेर भी अच्छा खासा आया है। तो इस तरह का गाउन आप बना सकते हो,
दो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो कैसा लगा ये आज का ट्यूटोरियल मुझे जरूर बताना, इसे ट्राई भी जरूर करना। और आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, धन्यवाद।